आपने देखा मेरी प्रेगनेंसी और मेरी डिलीवरी भी राज ने संभाली, जो कि एक औरत संभाल सकती है वो राज ने कर दिखाया। चैनल और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आज का, आप सबको जाननी थी मेरी मैरिज स्टोरी, मेरी लव स्टोरी, हमारी शादी कैसे हुई, ये सब आपको जानना था कि हमारी क्या स्टोरी थी वो सब। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमारी इंटरकास्ट इंटर कंट्री मैरिज है। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपने ऐसा टाइटल देके आपने उसमें बताया नहीं, बट मैंने उसमें टाइटल ये दिया था कि आपको मेरी इंटरकास्ट और इंटर कंट्री स्टोरी जाननी है क्या, सब पूछा था मैंने, यानी बता रही हूँ ऐसा कोई मैंने टाइटल नहीं डाला था। तो आपको जानना ही था, तो मैंने सोचा अभी क्या, ये जो 21 डेज लॉकडाउन चल रहा है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम ही टाइम है कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे। तो राज भी वैसे घर पे है और मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर स्टोरी बताएं, बट वो कम्फर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने और काफी ज्यादा टाइम हो गया है कि आप लोग बहुत पूछ रहे, बट मैं नहीं बता रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या टाइम ही टाइम है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी इंटरकास्ट इंटर कंट्री मैरिज स्टोरी क्या है वो सब। तो मैं सोचा कि चलो मैं अच्छे से आपको बता दूं। तो मैं बता दूं आपको, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है क्योंकि मुझे पता है मैं तो बहुत ज्यादा बात करती हूँ, और मुझे जब भी कुछ बताना होता है तो मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं हर एक पार्ट उसमें बताऊँ, ऐसा ना हो कि कुछ मिस कर जाऊँ, इसलिए मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि मैं हर एक चीज बताऊँ। तो वीडियो अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, एक जो आपको आज मिलेगा एक आपको नेक्स्ट वाला मिलेगा। बट हाँ, मैं बताऊंगी तो पूरी बताऊंगी स्टार्ट से लेकर इन तक। और मेरे एक व्यूअर प्रणाली को उन्होंने मुझे कहा ही था कि अगर आप जब भी बताओगे लेकिन पूरी बताना, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो ये बात है 2015 की, जब राज और मैं फर्स्ट टाइम मिले थे और उसी साल में हमारी शादी हो गई। तो और मैं आपको ना लास्ट में कुछ मैसेजेस भी दूंगी जो कि मतलब उन पेरेंट्स के लिए होंगे जो उनके बच्चे है अभी मतलब शादी लायक, या उन बच्चों को भी दूंगी जो अभी मतलब इस उम्र में जो किससे प्यार कर रहे हो, क्योंकि इंटरकास्ट मतलब शादी करना बहुत कुछ मतलब क्या होता है ना, जब उनके बच्चे उस उम्र में रहते लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो मतलब घर वालों को एक्सेप्ट करना या फिर बच्चों की मतलब वो जो गलतियां हम कर सकते हैं वो अगर हम टालते हैं तो हम जिससे भी पसंद करें हम उससे शादी कर सकते हैं। वो मैं आपको एक क्या बोलती हूँ मेरे इसमें से आपको पता चलेगा, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो बात जैसे मैंने कहा 2015 की है, तो मई महीने में हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो 15 मई को मैं गई थी नासिक, मेरे रिलेटिव में किसी की शादी थी, वहां से मैं होकर आई। और मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में थी, मेरी फर्स्ट ईयर की छुट्टियां चल रही थी। तो देन उसके बाद मैं तो हमारे एरिया के थोड़े मतलब दूर में एक होटल था, तो वहां पे हमारे एरिया की कुछ लेडीज काम कर रही थी, तो उनके वहां पे वैकेंसी थी अकाउंटेंट के लिए। तो मुझे फिर उन्होंने मतलब मम्मी की वो फ्रेंड थी, तो उन्होंने मम्मी को जस्ट सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारी बेटी कर सकती जॉब तो वहां पे कर सकती, अकाउंटेंट की वैकेंसी है वहां पे। तो मैंने फिर मम्मी ने मुझे बताया, और मैं जहाँ पे वो होटल था उसी एरिया में मैं पार्लर का कोर्स करती थी। तो मेरा रोज वहाँ पे जाने आना रहता था, मतलब वहां से मैं क्रॉस होकर आगे जाती थी वो होटल से, और वो होटल में राज जॉब करते थे, वहां पे राज हेड शेफ थे। और ज्यादा बड़ा होटल नहीं था, रेस्टोरेंट था छोटा सा, मुझे लगता है वेज ही था शायद, नॉन वेज नहीं था वहां पे, सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था वो छोटा सा। तो वहां पे फिर राज हेड शेफ थे, और राज मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते होशियार थे, इसलिए तो राज ही वहां पे मेन थे, कि जैसे कि क्या बोलते सबके ऊपर राज थे, सब को हैंडल करते थे राज वहां पे। तो देन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा, तो मतलब मम्मी को कहा, मम्मी ने मुझे कहा, तो मैंने बोला ठीक है मैं वहां पे जाऊंगी, तो मैं इंटरव्यू वगैरह दे दूंगी। और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया था, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, बट मुझे जॉब सिर्फ दो ही महीने के लिए करना था क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था वापस जून जुलाई से। तो मैंने सोचा कि दो महीने कर लेती हूँ, फिर देखते आगे की बात आगे, ऐसा हमारा था। तो मैं वहां पे जॉब पे लगी। फिर 15 मई को जैसे मैंने कहा मैं शादी थी हमारे रिलेटिव थी नासिक में, मैं वहां पर होके आई। और मुझे 17 मई से मैं जॉब पे लग गई, 16-17 से, क्योंकि मतलब वो सब बातें पहले हो चुकी थी, ये सब हो गया था। मैं वहां पे जॉब पे गई, तो जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैं वहां पे गई, तो मुझे नहीं पता था वहां पे कौन कौन है वगैरह। तो वहां पे मतलब वो जो हमारे एरिया की लेडीज थी वो भी थी, और एक वहां पे लड़की थी सुपरवाइजर में, मतलब वो एक ही लड़की जॉब कर रही थी, और ये जो भी स्टाफ था पहले का, मतलब वो लड़की हमारे एरिया की जो भी लेडीज थे वो, और बाकी के जो भी थे वहां पे मतलब राज को लेकर सब,
उन सबको 1-1.5 साल हो गया था वहां पे, मतलब मैनेजर था और वो काउंटर पे रहते वो थे, ऐसे बहुत सारे लड़के वगैरह थे, बट उन सब लड़कों में वो एक लड़की थी, मैं सेकंड गई थी। अभी मतलब वो भले पोस्ट हमारी कुछ भी हो, मैं वो सुपरवाइजर थी, मैं अकाउंटेंट थी, कोई मैनेजर था, राज शेफ थे, जो भी था, बट एक साथ ही काम कर रहे थे, वो एक बात था। तो देन उसके बाद जब रानियों ने पहली बार देखा तो उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला प्रणाली, तो उनको मेरा नाम समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे इंग्लिश में पूछा व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला प्रणाली, उनको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी बोले हाँ वाओ नाइस नेम। देन वो बात उन्होंने मुझे बाद में बताई, मतलब जब हमारी शादी वगैरह फिक्स हो गई तो बताई, लेकिन फिर भी वाओ नाइस नेम ऐसा कर दिया। देन उसके बाद उन्होंने पूछा क्या करती हो वगैरह, हमारी जस्ट नॉर्मल थोड़ी सी बात हुई कि क्या कर रही हो, तो मैंने बोला मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पार्लर का कोर्स भी कर रही हूँ और यहाँ पे जॉब। तो उन्होंने बोला कि फिर जॉब क्यों कर रहे आप अगर पढ़ाई कर रहे, तो मैंने बोला कि मैं जस्ट 2 महीने के लिए जॉब कर रही हूँ। बट ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, देखिए हम अपने मतलब जहाँ पे हम जॉब करते वहाँ पे हम थोड़ी ना बोलते हम 2 महीने के लिए जॉब कर रहे, ऐसा ही था। बट हाँ मुझे वहाँ पे उन्होंने बोला था और भी टाइम करने के लिए, लेकिन मैंने 2 महीने क्या, मैंने मुझे लगता है मुश्किल से 15-20 दिन ही जॉब किया वहाँ पे। तो मैं आपको बाद में आगे बताती हूँ स्टोरी में। तो वहां पे उन्होंने पहले थोड़ी सी हमारी बात हुई, देन उसके बाद राज को मैं पसंद आ गई थी फर्स्ट इसमें, क्योंकि क्या रहता है ना, मैं एक बात बोलूं, लड़के लड़कियों का नेचर देखते और होटल लाइन में बहुत कुछ अलग अलग लड़के रहते, मतलब वो हर किसी से कहीं कहीं से आए होते, तो कुछ अच्छे भी रहते कुछ बुरे भी रहते, बट मैंने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं, मैं बस अपने काम से मतलब रखती थी, ऐसा था मेरा। तो उन्होंने 2-3 दिन में ये देख लिया कि मैं किसी से भी ज्यादा, मतलब कि उसमें कुछ बड़े लोग भी थे, जैसे कि हमारी उम्र से बड़े, राज की मेरी उम्र से बड़े, कुछ एक साउथ इंडियन शेफ थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, बट वो हमसे बड़े थे, तो एक रहते मैच्योरिटी थी उनमें, तो मतलब ऐसा डर था मन में कि यार मैं अगर कुछ भी गलत करती हूँ तो यहाँ पे कोई तो बड़ा है हमारा, उनको क्या लगेगा, ये मन में डर था मेरे। और मतलब मेरा पहले से ये चाहती थी कि मैं जिससे प्यार करूँ उससे शादी करूँ, या फिर जिससे शादी करूँ उससे प्यार करूँ, ऐसा ना अभी प्यार किसी और से करूँ देन उसके शादी किसी और से हो जाए, ऐसा नहीं चाहती थी। तो जो भी हो बट एक ही इंसान रहे, ऐसा मेरे मन में पहले से था, जैसे कि हम जैसे बड़े बड़े होते जाते तो उस अकॉर्डिंग हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आता है, तो उस टाइप में। तो ये हो गया, फिर एक वो मैच्योरिटी थी कि किसी से बात नहीं करने की, या मतलब कि वो डिस्टेंस मेंटेन रखना, वो चीजें माइंड में थी, क्योंकि मतलब कहाँ कहाँ से लड़के आए हुए थे, तो कोई भी कुछ भी कमेंट्स पास कर देते, कुछ भी हो जाते, इस अकॉर्डिंग मेरे माइंड में ये सब था कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँ अपने और किसी को इसमें। ये हो गया, फिर 2-3 दिन में राज ने मुझे वो समझ गया कि हाँ मैं किस टाइप की लड़की हूँ, जबकि वो जो दूसरी लड़की थी वो खुद राज से शादी करना चाहती थी, मतलब उसने डायरेक्ट राज को प्रपोज भी किया था बट राज ने नहीं बोला था। तो ये सब हो गया, देन उसके बाद मतलब 2-3 दिन हमारे मतलब जॉब पे हो गए। फिर मैं जब पार्लर जाती थी ना, तो एक बार मुझे राज मिले, मतलब रास्ते में, मतलब उनका जॉब पे जाने का टाइम और मेरा पार्लर से छूटने का टाइम एक ही था, ऐसा कुछ था, हमारा टाइम मिक्स हो गया। तो हम लोग रास्ते में बात करते करते आ रहे थे, तो तब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम उससे, और ये 2-3 दिन के पहले क्या हुआ मैं आपको थोड़े से बताती हूँ। तो ये 2-3 दिन में राज को तो मैं पसंद आ गई थी, तो उस टाइम पे ना राज को ना बहुत कुछ फ्रूट कार्विंग वगैरह करने को आता है, तो उन्होंने एक ना गाजर का गुलाब का फूल बनाया था और वो मुझे दिया, उन्होंने दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने वो गुलाब का फूल बनाया मुझे दिया, तो मुझे समझ नहीं आया मुझे क्यों दिया, लेकिन वो मतलब वाव इतना अच्छा, और मैंने पहली बार देखा था कि ऐसा कुछ कोई हाथ से बना सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, मैंने वाव वाव किया रखा। और राज के जो कास्ट वाले लड़के थे ना, वो भी वहां पे बहुत जॉब करते, मतलब बहुत सारे लड़के थे जो कि उनके रिलेटिव थे, तो उसमें से जो एक लड़का था ना उससे मैं थोड़ी ज्यादा अच्छे से बात करी थी, क्योंकि वो उसकी उम्र और मेरी उम्र मैच करती थी, और वो रहता ना कि हमें किसी और से बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि हाँ मतलब हमें लगता है कि इससे बात करने के लिए हम कंफर्टेबल है, तो मैं उसके साथ थोड़ी कंफर्टेबल थी। तो राज को कुछ भी मुझे खाना देना हो ना, तो राज उसके पास देते थे। अब हम जब मतलब होटल लाइन का ये रहता है कि आप अगर वहाँ पे जॉब पे हो तो आपको वहाँ पे खाना मिल जाता है, मतलब सुबह शाम जो भी आपकी ड्यूटी रहेगी उस अकॉर्डिंग ड्यूटी में जो भी टाइम रहता है उसमें आपको खाना मिलता है, वो अपने ऊपर रहता है आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो आप टिफिन लेके जा सकते। बट वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं था कि मैं खा सकूँ, मतलब मेरा ऐसा रहता मैं थोड़ा खाना खाऊ बट अच्छा खाऊ, तो मैं नहीं खा रही थी। मैंने फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपको खाना भी यहाँ पे है, मैंने सेकंड डे पे देखा खाना बट मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने नहीं खाया वो खाना। तो राज मुझे जो भी बनाते थे ना, वो मतलब जो भी ऑर्डर मारे थे ना, उसमें से एक एक चीजें थे, एक बार उन्होंने नूडल्स खिलाया, एक बार फ्रूट कस्टर्ड, कभी आइसक्रीम, कभी क्या 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 मुझे खिलाते रहते थे। तो वो लड़के के थ्रू मुझे आता था, वो लड़के को बोलते थे कि जाओ उसको देखकर आ, मुझे नहीं पता था कि राज मुझे मेरे लिए भेज रहे, मुझे लगता था ये लेकर, बोलते थे ये लो आप खाइए, मैं खा लेती थी, मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ू।
तो ये सब में वो जो औरतें थी, देन वो जो लड़की थी, उनको लगता था कि इसको क्यों दिया जा रहा है, उनको नहीं पता था अंदर से कौन भेज रहा है, बट हाँ मेरे पास आ रही है, उनको दिख रहा था कि हाँ मुझे मिल रहे खाने के लिए। और वो रहता इतना सा था कि मैं उसमें क्या बांटू, ऐसा हो जाता था, मतलब एकदम थोड़ा सा। अब राज भी उनका खुद का थोड़ा होटल था कि वो मेरे लिए पूरी प्लेट भर के दे, थोड़ा सा दे देते दे थे तो, बट मुझे अलग अलग टेस्ट, वो रहता ना एक आपको टेस्ट मिल जाती है मुंह में। तो ये सब ऐसे चलते चलते 2-4 दिन निकल गए कुछ, तो मतलब मेरे बहुत मजे थे वहां पे। राज कुछ भी, अभी राज मुझसे प्यार करे थे, होटल का हेड इंसान जो कि आपके मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहां का अगर हेड, जो भी हेड है वो अगर आपको पसंद कर रहे हो, आपको कुछ भी दे रहे तो आपके ऐश है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करते। तो ये सब हो गई बातें सब 2-4 दिन में। और ये सब बातें अभी देखिए जहाँ पे आप जॉब करते हो वो मालिक ये नहीं बोलता ना कि आप कुछ भी बना के खाइए, आपको होटल का जो भी मतलब स्टाफ के लिए खाना बनता है आपको खाना पड़ता है, तो मैं वो नहीं खाती थी इसलिए मुझे वो मिलता था, ये बात थी। मतलब राज कुछ ना कुछ अलग मुझे बना के खिलाते थे। और ये सब हो गया, फिर जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के बाद फिर मैं अपने इससे आ रही थी पार्लर से, और राज आ रहे थे जॉब पे जाने के लिए आ रहे थे, तो हम एक ही रास्ते में मिल गए और हम लोग बात करते करते आ रहे थे। अभी एक ही जॉब पे मतलब एक ही जगह पे जॉब करते तो हम बात करके आ ही सकते थे। तो तभी उस टाइम पे रास्ते में उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ऐसे उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा। मतलब जस्ट 2 मिनट हमारी नॉर्मली रास्ते में चल चलते बात हुई, उतने में उन्होंने ये पूछा, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि मैं क्या, मतलब मेरे माइंड में ये सब नहीं चल रहा था कि शादी वादी का कुछ नहीं था, मुझे जस्ट 2 महीने जॉब करना था अपना, क्योंकि 2 महीने अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरी कॉलेज की मैं क्या बोलते एक स्टार्टिंग फीस भर सकूँ, सेकेंड ईयर की फीस भर सकूंगी और अपना खर्चा निकालूंगी, ये सब मेरे माइंड में था, इतना कुछ नहीं था जॉब का शादी वादी का ये सब नहीं था। अब मैं कन्फ्यूज हो गई, अभी जैसे कि मैंने राज को जाना था इतने दिनों में, उतने में मुझे पता चला था कि राज एक अच्छा इंसान है, ये बात तो मुझे पता चली थी। और मैं अपने घर पे बातें करती रहती थी कि होटल में आज ये हुआ, ये खाया मैंने, वो खाया, ये सब बातें मैं घर पे करती थी। तो जब राज ने मुझे ऐसा पूछा तो मैंने उनको डायरेक्ट ये बोला पहले तो कि अगर मैं अपने घर पे ये बात बताती हूँ तो क्या आप घर पे आके बात कर सकते हो मेरे घर पर घर वालों से। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलेगा, तुम्हें अगर बताना है तो बता दो, मैं घर वालों से आके बात करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी भी लड़के में अगर अब ऐसा रहता ना, हम भी सामने वालों को परखते कि ऐसे टाइम पास के लिए पूछ रहे कैसे जैसे बोल रहे, तो मैंने डायरेक्ट घर वालों की बात निकाली, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आके पूछ सकता हूँ। फिर ऐसा लगा कि हाँ ये जेन्युइन है, मतलब कि जो इंसान अगर घर वालों से डायरेक्ट बात करने के लिए डर नहीं रहा है तो ये मतलब ऐसा नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने घर पे बताया, फिर ये हुआ। फिर मैं अभी सोच रही थी मैं घर पे बताऊँ क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट ये मतलब राज एक अच्छा इंसान है ये समझ में आ रहा था कि अगर इफ इनके शादी होती तो भी अच्छे है, ऐसा भी लग रहा था, पर शादी करनी कि नहीं करनी ये कन्फ्यूजन था। प्यार तो था ही नहीं मेरे तरफ से, मतलब कि प्यार का तो सवाल ही नहीं, सोचा ही नहीं था, तो प्यार कहाँ से होगा ये तो बात ही नहीं थी। फिर मेरी ना मम्मी से ज्यादा जमती थी कि मतलब एक क्या रहती है बॉन्डिंग रहती ना, तो हम हर एक चीज शेयर करते, तो वैसा था। तो मैंने 1-2 दिन के बाद फिर सोच के पता मम्मी, सोचो मम्मी को बोलती हूँ, फिर देखते जो भी होगा सो देख लेंगे, ऐसा हुआ। और नॉर्मल फिर जो चल रहा था वही चल रहा था ये बात होने के बाद, वैसा कुछ अलग नहीं था। फिर 1-2 दिन के बाद मुझे लगता मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा ऐसे बात कर रहे थे हम लोग, तो मुझे राज ने शादी के लिए पूछा है, तो मैंने उनको यही बोला कि आप घर वालों से बात कर सकते हो क्या, और वो बोले कि हाँ मैं डायरेक्ट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं डायरेक्ट घर पे भी बात कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। बट ये हुआ था अभी जैसे मैंने कहा मैं मई महीने में जॉब पे लगी, और सितंबर अक्टूबर में राज को जाना था सिंगापुर, उनको जॉब के लिए ऑफर आई थी और उनको 2 साल के लिए जाना था सिंगापुर। तो उन्होंने ये भी बात मुझे बताई कि अगर घर पे भी बात होती है तो मैं ये करूंगा, घर पे बात बात करके मैं सिंगापुर जाऊंगा। तो मेरे माइंड में ये तो था, अब राज की कास्ट और मेरी कास्ट बहुत अलग पड़ रही थी, जैसे मैंने कहा इंटर कास्ट इंटर कंट्री है, तो घर वाले हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये 2 दिनों में मैंने ये सोचा हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये एक बात है। और राज ने मुझे उस टाइम पे क्या बोला कि एक काम करो तुम अभी मत बताओ घर पे, मैं सिंगापुर होके आता हूँ 2 साल के बाद तभी बताते, या फिर सिंगापुर जाने से पहले बताना, तुम्हारे घर पे हमारे घर पे गणपति रहते तो गणपति के टाइम पे मैं घर पे आऊंगा ना तभी बात करते, ऐसा। तो मैंने सोचा कि और ये 2-3 महीने में हम एक दूसरे को जान लेते, तो फिर मैंने सोचा कि ये 2-3 महीने में जान लेते बात ठीक है, पर अगर सच में प्यार हो गया और प्यार होने के बाद राज की और मेरी जो कास्ट है वो बहुत अलग पड़ रही है, तो अगर उस टाइम पे घर वालों ने नहीं बोला तो ना मैं राज के साथ भाग जाना चाहती हूँ, ना राज को छोड़ पाऊंगी और ना घर वालों को मना पाऊंगी, मैं तो ऐसे बीच में अटक जाऊंगी। अभी जो है
अभी जो अगर टूट भी जाता है तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्ट फ्रेंडशिप है, जस्ट शादी के लिए पूछा है, कुछ नहीं फर्क पड़े। बट अगर 2-3 महीने के बाद प्यार व्यार हो गया और घर वाला ने नहीं बोला तो उस टाइम पे क्या करूंगी। तो ऐसे मेरे माइंड में ये 2-3 दिन तक ख्याल चल रहे थे क्या करूंगा। फिर मैंने रात को बोला कि मैं ना घर पे बता देती हूँ, 2-3 महीने के वेट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इस आप बोल रहे हो कि हम एक दूसरे को जानेंगे वगैरह, बट ये जानने के चक्कर में अगर प्यार होगा मेरी तरफ से तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ना मैं छोड़ पाऊंगी, ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना मैं घर वालों को छोड़ना चाहती हूँ ऐसा। तो वो बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बता दो। फिर मैंने घर पे मम्मी से बात कर दी, मैंने मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे राज ने शादी के लिए प्रपोज पूछा है। तो फिर मम्मी बोले ठीक है। तो मम्मी ने भी उसके आगे बात नहीं बढ़ाई, मुझे सामने से कुछ नहीं बोले, मैंने भी कुछ नहीं बोला, ना मैंने राज से ये बात बोली कि मैंने घर पे बताया है ऐसा। तो जब मैंने राज को ये बोला कि मैं बताने वाली हूँ घर पे, तो उन्होंने डायरेक्ट मम्मी को फोन किया, मतलब उनके पास जैसे मैंने कहा हमारे एरिया में, मतलब मम्मी वगैरह भी जानते हैं थोड़ी बहुत, तो उन्होंने डायरेक्ट मम्मी को फोन किया कि मैं आपसे मिलना आना चाहता हूँ शाम को, मुझे आपसे थोड़ा काम है। तो फिर मम्मी को पता चल गया कि वो क्यों आना चाहते होंगे, और मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, वो घर पे आने वाले। मैं हमारे घर में ना सारा घर, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे आदत थी कि मैं अपना घर साफ रखूँ, वैसे मैं वहां पे भी थी और मम्मी बाहर थी जिस टाइम पे मम्मी को फोन आया। मुझे पता ही नहीं था घर पे कि राज आने वाले, मैं घर पे अपना अपना काम कर रही थी, काम करके मैं अपना बैठ के टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद उस टाइम पे मोबाइल का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था मुझे, ये हो गया। फिर मम्मी आ गई घर पे, मम्मी बोली कि राज आने वाले, मैंने बोला हाँ क्यों, बोले अभी जस्ट आते होंगे। और मम्मी आए थे उसके 5 मिनट के बाद राज आ गए, और हम मैं जहाँ पे जॉब करती थी, मैं राज वहाँ पे और एक मराठी लड़का भी जॉब करता था, मतलब उसकी शादी हुई थी बट वो भी जॉब करता था, तो राज उसको साथ लेकर आए, उसको राज ने बताया ऐसे ऐसा, तो उसको साथ लेकर आए। उन्होंने डायरेक्ट घर पे बात की मम्मी से शादी वादी की, तो मम्मी को थोड़ा बहुत पता था। मम्मी को एक्चुअली उन्होंने ना हमें एक बार उनकी स्टोरी बताई थी राज की, वो ना जब 12 साल के थे ना उस टाइम से वो जॉब कर रहे थे, तो मतलब उनकी जो ये था ना क्या बोलते हमारे घर, मेरे घर वालों ने ये देखा कि लड़के की काबिलियत क्या है, वो क्या कर रहा है, ये नहीं देखा उसके पास पैसा कितना है वो क्या, बट ये देखा मेरे घर वालों ने कि वो हमारी बेटी को 2 टाइम का खाना खिला सकता है कि किसी भी अगर कुछ भी सिचुएशन आए तो, अगर वो कर सकता है, मेहनती लड़का हो तो उसके साथ शादी करने के लिए कोई बुरी बात नहीं, ऐसा हमने सोचा, मेरे घर वालों ने सोचा। कास्ट ने देखी, बाकी कुछ नहीं देखा, पैसा कितना ये नहीं देखा और क्या है कुछ नहीं, ये सब नहीं देखा, बट ये चीजें देखी कि अगर ऐसी कभी नौबत आई लाइफ में तो वो 2 वक्त की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और काबिलियत क्या है, मेहनती है कि नहीं, ये सब देखा। तो फिर राज ने जब शादी की बात की तो मम्मी ने बोला ठीक है बताती हूँ। तो उस टाइम पे मम्मी ने ना मेरे राज के लिए खाना बनाया, नॉनवेज चिकन, और मैं आपको बताऊँ महाराष्ट्रीयन चिकन हम कैसे मस्त मसाला वाला वगैरह बनाते। राज ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं खाया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे घर पे चिकन खाया, बट वो इतना ज्यादा तीखा था कि राज के आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके बाद राज को इतना तीखा खाने की आदत पड़ी हमारे साथ रह रहे कि अब इन 5 सालों में, बट इससे पहले राज ने इतना ज्यादा तीखा नहीं खाया था, तो राज के आंखों से आंसू आने लगे। तो ये सब बातें हुई, फिर मेरे राज मतलब खाना वाना खा के निकल गए। देन उसके 2-3 दिन के बाद फिर घर वालों को बताया, ये सब बातें बातें हुई, और ये जब मतलब शादी तक जैसे मैंने कहा राज जब घर आए ना वो होने तक मुझे लगता है 15-20 दिन ज्यादा निकल गए थे, मुझे लगता है जून स्टार्ट हो गया था, ये सब इतने में हुआ, 17 मई के बाद हुआ। और मेरा जॉब का रहा तो मैंने जॉब छोड़ दिया था मुझे लगता है 1 या 2 तारीख को, क्योंकि मैंने छुट्टी निकाली थी 1 या 2 दिन, और वो मैंने बिना बताए छुट्टी निकाली, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिना बताए कि छुट्टी निकाल, बता के छुट्टी निकालनी चाहिए थी। तो मैंने बोला कि नहीं मतलब मैं बीमार थी, ऐसा कुछ तो हुआ था शायद, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे याद नहीं रहा सर से बोला मैं बीमार थी वगैरह। तो फिर इन सब इसमें मेरा जॉब छूट गया, और मतलब मैंने भी छोड़ दिया, और ये भी था कि अभी शादी की बात चल रही होती तो फिर मैं सोच रही थी कि यार एक ही जगह पे जॉब करना सही नहीं रहेगा, ये सब हुआ। तो शादी के बाद अभी ये हो गई कि राज ने घर पे आके पूछ के गए और हमारे तरफ से हाँ या ना बोलना बाकी, ये सब रहा। बट इसके बीच में क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। राज के जो रिलेटिव उनके साथ जॉब कर रहे थे, उनके कास्ट वाले लड़के कुछ रिलेटिव भी थे, भाई थे कुछ, ये थे, उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर चेक किया उन्होंने एक बार।